सांसद जी, मतगणना में 19 घंटे से कम का भी समय रह गया है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कमाल होने वाला है, क्या कहेंगे? जैसे कि पूरे एग्जिट पोल में बताया गया है, तो मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा भारत मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, अपने इस नए भारत के शिल्पकार को जिता रहा है। हर माँ, हर बहन, हर लाभार्थी, हर वो गरीब तबका, हर वो रोजगार तबका, जो रोजगार पाया, और वो बेरोजगार तबका जिनको विश्वास है कि अब हमको नया रोजगार मिलेगा, मेरे विश्व के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता देंगे, तो एक ऐतिहासिक वोटिंग होगी। क्योंकि पूरे विश्व की नजर है कि पहली बार विश्व में एक ऐसा चुनाव हो रहा है कि 26 दल एक अकेले व्यक्ति को रोकने के लिए, विश्व के सबसे बड़े नेता को रोकने के लिए आए। उसका रिजल्ट देखने पूरा वर्ल्ड, पूरा शेयर मार्केट, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरी दुनिया का बाजार, जितना बड़ा बाजार है, कई कई अरब करोड़ का जो बाजार जिसको कहते हैं हम, शेयर मार्केट है, ये है, अनगिनत बाजार, वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी की जो लाइन है सबकी नजर कल, वर्ल्ड पूरा देखने वाला है कल का रिजल्ट पे। आप भारत नहीं, आपका गोरखपुर नहीं, पूरे विश्व की निगाह है, दुश्मन देशों की निगाह है, भीतरी घात करने वाले भी जो देश के भीतर भी रह रहे हैं, जो देश के विरोध में चल रहे हैं, उनकी भी निगाह रहेगी। लेकिन कल का बाजार बहुत बड़ा उठेगा, सीधे महादेव चाहेंगे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम लोग टच कर जाएंगे, और देश एक विकसित, एक विराट भारत बनने के राह पर कल से निकलेगा, नया अध्याय भारत लिखने जा रहा है। और ये बहुत शुभकामनाएं उस समस्त भारत को जिसने स्वयं को जिताने के लिए सारी ताकत झोंक दी, जिसका रिजल्ट कल सुबह 8 बजे से आपके टीवी चैनलों पर आना उसका रुझान शुरू हो जाएगा। भारत ने भारत को जिताया है, अपने नेता पर भरोसा दिखाया जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, भरोसे का नाम। हमने हाल फिलहाल, मैं बार बार कहता हूं, मैंने विश्व के किसी भी नेता पर ऐसा भरोसा नहीं देखा जो भरोसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर हुआ। ये ऐतिहासिक चुनाव, ऐतिहासिक रिजल्ट, और देश का बाजार बहुत ऊंचा उठेगा कल से, देखिएगा हर फील्ड में बाजार बहुत उठेगा, और एक बहुत समृद्ध भारत होगा। और गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग जब ही ऊपर आए हैं, हमको लगता है फिर 50 करोड़ लोग ऊपर आ जाएंगे, अगर जितने भी अपर मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास, वो सब लोगों का भला होगा और देश अद्भुत राह पे चलेगा। बहुत सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए जीत रही है, बड़ी संख्या, बड़ी मतों से, बड़े नंबरों से जीत रहे हैं, तो वही राहुल गांधी का है, मोदी मीडिया पोल है। देखिए, जब इन लोगों के सपने, जैसे 5 साल में 26 दल, मतलब 6 महीना एक प्रधानमंत्री के हिस्से में आता, 2.5 महीना इनका प्लानिंग जो एग्रीमेंट हुआ होगा शायद, जो हमको ऐसा लग रहा है मोटा, मेरी राय, तो इन लोगों ने 26 दल ने प्लान किया होगा कि 26 लोग हम लोग अगर मोदी जी को रोकते हैं, और अगर रोकते हैं, अगर रोक पाए, तो हम लोग इस तरह से 2.5 महीना एक प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये देश का तो ये लोग चटनी और अचार बना देते, तो वो सपने एकदम चकनाचूर हो गए होंगे। और कल की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 100 दिन का एजेंडा भी बना दिया, और जब प्रधानमंत्री 100 दिन का एजेंडा बना लिए कि अब 100 दिन भारत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या काम करेंगे, तो इनको समझ में तो कल ही आ गया। एक एग्जिट पोल नहीं, सारे एग्जिट पोल एक ही बात करें भाई, 2-5%, 10% यहाँ वहाँ होगा, 5% होगा, 2% होगा, बट सारे एग्जिट पोल 400 बता रहा है, 390 बता रहा है, 386 बता रहा है, कितना भी परसेंट आगे पीछे, एकदम महादेव की दया से सब भी जानते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक एक महिला वोट की है, एक एक नया युवक वोट किया है, एक एक वृद्ध किया है, आयुष्मान कार्ड से जो इलाज पाया है, किसान वोट किया है जिसने आत्महत्या करना बंद कर दी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम 295 पा रहे हैं। हाँ भाई, देखो पता नहीं कौन देश में पाएंगे, लेकिन लोग पाएंगे, किसी और देश में जरूर पाएंगे, इनका सपना भगवान करे कहीं बाहरी देश में जरूर पूरा हो, जिसके लिए लोग जीते हैं, जिसके ले के चलते हैं, जिसके लिए लोग बाघा बॉर्डर खोलने का सपना देख रहे थे। इनकी किसी ने कहा, इन्हीं के किसी बड़े नेता ने कहा, हम सुनने में आया हमको कि बाघा बॉर्डर खुल जाएगा अगर ये लोग आते हैं। इससे बहुत सारे सपने हैं, बहुत देश में कई टुकड़े होंगे, कई हिस्से बनेंगे,
और बहुत लोगों के सपने पूरे, लेकिन ये सब नहीं होता। ये राम राज्य चल रहा, विकास विराट समृद्धि, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हमको तो खबर आ रही है, कल पता चल ही जाएगा, कुछ मुस्लिम वोट भी हमको कुछ गोरखपुर में भी मिले हैं, अब वो देखते हैं कितने प्रतिशत मिले। लेकिन जो खबर आई हम अभी कल शाम तक आपको बता पाएंगे, मुस्लिम यादव वोट भी मिले, तो वही सब पूरे देश का रुझान होगा। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पीसी किया है, पीसी में कहा है कि पतंग जितनी ऊंचाई पे जाती है उतनी तेजी से नीचे आती है, तो उनका इशारा ये 14 में भी यही बोले थे लोग, नया कोई डायलॉग ही इन लोग का, कौन स्क्रिप्ट राइटर है समझे नहीं आता है, वही बात इन लोग का। तो पतंग ऊपर जाती है नीचे आती है, हम तो उड़ाते तो कितना, हम 6 घंटा तक ऊपर रखते थे, नीचे आती नहीं, न हम रातों को रख सकते। ये कौन बात, क्या तुक है, भारत का चुनाव, विराट भारत, $5 trillion, 42-43 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में पूज्य महाराज जी करवा रहे हैं, ये अतंग पतंग कहाँ, पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा औला वोला बात करेंगे, बड़ा दुख होता है। ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई के बाद इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, देश की बात करिए, विराट कैसे होगा, इकोनॉमिक्स कैसे देश चलेगा, कैसे आप देश को लेके जाओगे, देश की दशा दिशा क्या होगी, किस तरह देश 140 करोड़ का चलेगा, कैसे इतने युवा हम लोग लेके चले, कैसे बहन बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, आतंकवादियों को कैसे नाश करेंगे, कैसे पूरे विश्व के सारे नेताओं के सामने, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान है, सब उनको बॉस बोलने लगा, ये कैसे करोगे, किस तरह से आप अपने आप को स्टैंड करोगे बाजार में, विश्व का बहुत बड़ा बाजार है, उसमें कैसे खड़ा करेगा भारत अपने आप, वो सोच होनी, एक गहरी गंभीर चिंतन वाला भारत है, देवी देवताओं ने जन्म लिया है, यहां गंभीरता चलती है, यहां पर खाली शब्दावली हेडलाइन नहीं चलती कि एक दिन में मार दिया हेडलाइन और भूल गए, ये देश है, चिंतन वाला देश है, यहां अद्भुत चिंतन हुआ है, बड़े बड़े तपस्वियों ने चिंतन किया, तपोभूमि है, इसको कैसे विराट बनाओगे, सोने की चिड़िया कैसे बनाओगे, चिंता ही है। तो प्रधानमंत्री जी को 10 ही साल मिला ना भाई, 65 साल तो इन लोगों को मिला था, हम लोगों के सेम टाइम पे जीडीपी एक टाइम पे चाइना हम लोगों का सेम था, आज चाइना हम लोगों से कितने साल आगे निकल गया, इन लोगों की सब स्कैम और इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारों की वजह से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जितने भी ईवीएम है उनको भरोसा नहीं है, तो अपने कार्यकर्ताओं को ये जीते तब नहीं, ये याद वो बेचारी ईवीएम पर क्या दुख, पता है कितना रो रही थी ईवीएम, हमको सपने में आई थी, बोली मैं बड़ी दुखी हूँ, कांग्रेस जीतती है तो मैं अच्छी हूँ, बीजेपी जीतती है तो मैं बदनाम हो जाती हूँ, ईवीएम की इतनी हाय लगी कि इन लोगों को देखेगा, बद्दुआ ले रहे हैं लोग ईवीएम की। कल का दिन आपका कैसा हुआ, कैसे शुरुआत करेंगे? पूजा पाठ होगा, महादेव के भक्त हैं, पूजा पाठ होगा, बजरंग बली का, बुढ़ाऊ बजरंग बली का बहुत बड़ा विराट दिन है, हनुमान जी की कृपा होगी और विरोधियों की लंका जलेगी।